गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैंने बहुत टाइम के बाद एक मेकअप लुक शूट किया है। ओके, सो दिस इज अ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। इट्स मार्स कॉस्मेटिक्स वन ब्रांड मेकअप लुक। ये मैंने वेडिंग गेस्ट काइंड ऑफ अ मेकअप लुक क्रिएट किया। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक, अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैंने क्रिएट किया है और आप जानना चाहते हो कि इसे कैसे करना है, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। ओके, टू स्टार्ट विद, आई हैव मॉइस्चराइज्ड माई फेस रियली वेल। एंड पहला प्रोडक्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो है मार्स का वाइटलिस्ट हेल्दी एलिक्सर। दिस इज अ फाउंडेशन। मेरा शेड है 103 मीडियम। ये बिल्कुल नया फाउंडेशन है। एक्चुअली सारे ही प्रोडक्ट मार्स के मेरे पास बिल्कुल नए हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑल द मार्स प्रोडक्ट्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखती है। सो दिस इज द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट। आई होप शेड मैच हो जाए मेरे साथ। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। Oh my God, ये क्या हो गया? शेड तो बहुत लाइट है। लेट्स सी, अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, ऐसे भूत लग रही हूँ, सफेद भूत नहीं लग रही हूँ। एक्चुअली सामने मिरर में देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना इस पे वाइट लग रहा है। बिल्कुल ऐसे सामने मिरर में देखने में ये बिल्कुल ऐसे, आई थिंक लाइट की वजह से है, आई डोंट नो। लेट्स मेक इट वर्क, लेट्स मेक इट वर्क। एक्चुअली फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। मीडियम टू फुल कवरेज मुझे इसका लग रहा है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आई थिंक ये ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए चलेगा, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लग रहा है मुझे। बस शेड आई थिंक थोड़ा मेरे मैच का होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है। एक्चुअली कैमरे पे ज़्यादा लाइट लग रहा है, इतना ज़्यादा लाइट जब मैं सामने से देख रही हूँ तो इतना लाइट नहीं लग रहा है। ओके, सो आई डोंट हैव एनी कंसीलर फ्रॉम मार्स, तो मैं यही फाउंडेशन का एक ड्रॉप बस और लेने वाली हूँ। सिर्फ मतलब एक्चुअली एक ड्रॉप भी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मार्स वंडर पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। इस पर कोई शेड नहीं लिखा है। दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसे डबल इसमें पाउडर आता है एंड यहाँ पे आपको स्पॉन्ज मिल जाए। द पाउडर इज रियली रियली गुड, कवरेज भी है अच्छी और ये मैट भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्पैक्ट फॉर समर्स। आई थिंक डेली बेसिस पे अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाना पसंद नहीं करते हो, जैसे कि मैं भी नहीं लगाती हूँ, तो जस्ट मॉइस्चराइजर एंड अगर आप ये कॉम्पैक्ट यूज करोगे, इट विल गिव यू वेरी वेरी गुड कवरेज विदाउट एनी कंसीलर और विदाउट एनी फाउंडेशन। यू कैन ऑल्सो यूज दिस। सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू यूज इज दिस मार्स आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही मल्टीपर्पज पैलेट है, मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे हैं, तो इसी पैलेट से मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड एज माई कॉन्टोर। ओके, सो उससे पहले मैं आपको ये मेकअप ब्रशेस का सेट दिखाना चाहती हूँ। ये 6 मेकअप ब्रशेस का सेट है, बिल्कुल न्यू है, मैंने यूज नहीं किया अभी तक। ओके, सो जैसे कि आप मेरे देख पा रहे होंगे वीडियो पे, मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो आई एम सो सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो टू सेलिब्रेट दैट आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ गिव अवे, वेरी वेरी स्मॉल गिव अवे, क्योंकि हम अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। सो गिव अवे के रूल्स बिल्कुल सिंपल है। आपको ये वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आपको नीचे कमेंट करना है। एंड यू कैन आल्सो टेल मी कि आपको ये मार्स के मेकअप प्रोडक्ट्स में से क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और क्या आप भी यूज करना चाहोगे। तो इस गिव अवे के दो विनर्स मैं चूज करने वाली हूँ। एक जो है प्राइज है वो ये है, मेकअप ब्रशेस का सेट, एंड द सेकेंड इज दिस आई शेडो पैलेट। Obviously, I'm going to give you the new one. Okay. Rules बिल्कुल सिंपल है। दो मैं विनर्स चूज करूंगी, ये दो प्राइजेस आप जीत सकते हैं। इन केस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज टू आइटम्स, यू कैन ऑल्सो यू नो सिलेक्ट कि आप
आपको Amazon का 500 रुपीस का मैं वाउचर भी दे सकती हूँ. सो इट्स जस्ट सिंपल, दो विनर चूज करेंगे, कोई भी चीज आप चूज कर सकते हैं, या तो ये मार्स का 6 ब्रशेस का सेट, या फिर ये आई शेडो पैलेट, या फिर Amazon का 500 का वाउचर. सो प्लीज पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गिव अवे का विनर अनाउंस करूंगी. सो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यूज कर रहे हैं ये कॉन्टोर एज ए सेट. बहुत ही मल्टीपर्पज पैलेट है, आप देखेंगे कि मैं क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ इसमें से, मतलब क्या क्या चीजें किस किस तरीके से यूज कर रही हूँ मैं. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज ब्लश. तो मैं ब्लश के लिए ये कलर यूज कर रही हूँ कि जो पिगमेंटेशन है वो भी काफी अच्छी है, काफी स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा है. मैं ब्लश थोड़ा सा हैवी लगा रही हूँ आज क्योंकि ये थोड़ी देर में आई थिंक, क्योंकि ये आई शेडो है तो थोड़ी देर में आई थिंक ये थोड़ा वेयर ऑफ हो सकता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा हैवी लगा रही हूँ. और हमारा बेस थोड़ा सा लाइट था तो वो भी इससे सेट हो जाएगा. ओके, सो अब बढ़ते हैं आई शेडो की तरफ, इसी आई शेडो की तरफ जो इसका एक्चुअल यूज है. सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये वाला सबसे लाइट कलर. फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस आई ब्रशेस. ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे. सेम ब्लेंडिंग ब्रश अगेन, इसको ब्लेंड कर दूंगी. आई एम टेकिंग द डार्कर शेड अगेन. आई एम यूजिंग द डार्कर ब्राउन शेड अगेन. उसके बाद मैं यूज कर रही हूं ये वाला कलर और लोअर लैश लाइन को दोबारा से ब्लेंड कर दूंगी. Okay, for the highlighter, I'm using the same palette again. मैं ये shade pick कर रही हूँ highlighter के लिए. Okay. Okay, with the same highlighter, I'm highlighting my inner corner as well. अभी एक चीज और use करेंगे हम इस palette में से. अभी इस palette का पूरा काम हुआ नहीं है. थोड़ा सा फॉल आउट है इस आई शेडो पैलेट का. ये जो ग्लिटरी शेड जो मैंने अपने आईलेट पे यूज़ किया है, ये आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना बेस करने से पहले करना, नहीं तो थोड़ा सा मेसअप हो सकता है. थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है बट मैंने मैनेज कर लिया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया. सो थोड़ा सा फॉल आउट है इसका, बट येस इट्स अ गुड आई शेडो पैलेट एंड इट्स अ मल्टीपर्पज पैलेट. तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये डार्क शेड अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए. मुझे लगता है अगर आप ये पैलेट खरीद लो, इस पैलेट से ही आपके 4-5 प्रोडक्ट्स का काम हो जाएगा. ओके, सो मेरी आईब्रोज थोड़ी सी डार्क है ना, तो मैं नॉर्मली ग्रे कलर का आईब्रो पाउडर मैं प्रेफर करती हूँ या फिर थोड़ा सा इससे डार्क हो, बट इसका थोड़ा सा ऑरेंज टिंट आ रहा है. नाउ फॉर दिस वीडियो मैं इसके साथ ही वर्क अराउंड कर रही हूँ, बट फॉर आईब्रोज आई डोंट थिंक आई कैन रिकमेंड दिस पैलेट. अगर आपके आईब्रो के कलर के साथ इसका कलर मैच हो रहा है तो ठीक है, बट इधर अप्लाई करते ही ना ये थोड़ा सा ऑरेंज टिंट दे रहा है, तो आईब्रोज के लिए मैं इतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रही. बट हाँ, अगर आप ये आई शेडो पैलेट ले रहे हो तो आप इससे और बहुत सारे यूज कर सकते हो. आई मीन इस पैलेट में आई शेडो कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, न्यूट्रल कलर है, बहुत सारी जगह आपके यूज हो जाएंगे. ब्लश बहुत अच्छा है, हाईलाइटर बहुत अच्छा है, कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोर शेड बहुत अच्छा है, बट आईब्रो के लिए ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस डबल ट्रबल मस्कारा. पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, पैकेजिंग इतनी जबरदस्त कर रखी है कि अंदर से निकल ही नहीं रहा है. ओके, सो द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस.
बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। एंड यहाँ पे लिखा है स्टेप वन लेंथ एंड स्टेप टू वॉल्यूम, तो आई एम होपिंग कि इसमें दो मस्काराज हैं। पहले हम स्टेप वन यूज कर रहे हैं। ओके प्लीज इग्नोर दिस, मैं ये अभी सही कर लेती हूँ, बट अदरवाइज दिस मस्कारा इज रियली रियली गुड। मैंने अभी जस्ट स्टेप वन अप्लाई किया है, जो लेंथनिंग है एक्चुअली इट इज डूइंग द जॉब। बहुत ही अच्छा लेंथ दिया है इसने मेरे आई लैशेज को, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। ओके नाउ इट्स टाइम टू यूज द मस्कारा फॉर स्टेप टू। आई होप यू गाइज कैन सी द डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा अच्छा मस्कारा है। इट्स एक्चुअली डूइंग व्हाट इट्स क्लेमिंग, बट वन थिंग इज बेसिकली पैकेजिंग ऐसे अच्छी है, ऐसे ठीक है, बट जब आप इसको यहाँ से खोलते हो ना, तो इसकी ये वाली जो डंडी है वो बहुत ही लंबी है और ये बहुत ज्यादा फ्लिमजी है और ये ऐसे बहुत लंबी है, तो जब आप इसको ऐसे अंदर डालते हो ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे लगता है और ऐसा लगता है ये डंडी टूट जाएगी। अब मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो ये ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार अगर मैं इसे यूज करूंगी ना तो शायद मुझसे टूट ही जाएगी। और जो स्टेप टू है वो भी यहां से देख रहे हैं, ये जो ब्रश है ये ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा फ्लिमजी लग रहा है, फिर भी ये ब्रश वाला सेक्शन लग रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये इतना ज्यादा वीक है या नहीं, बट जो स्टेप वन के लिए जो आपकी ये खुलती है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लिमजी है। तो अगर आप इसे खरीद रहे हैं, यूज करते हैं, तो जब इसे बाहर निकालें, अंदर डालें ना, तो थोड़ा सा ध्यान से, अदरवाइज किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ये ऐसे टूट गया तो ना तो यूज हो पाएगा और ना ही कुछ। और जो इसका वॉल्यूम वाली साइड का जो मस्कारे का वॉन्ड है वो मुझे बहुत ज्यादा मोटा लगा। एक्चुअली स्टेप वन का भी और स्टेप टू का भी लोअर लैश लाइन के लिए फिजिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे भी मैसअप कर लिया था, मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा मैसअप कर लिया है, तो आई डोंट नो, मे बी आई एम दैट फ्लिमजी, बट ये थोड़ा सा मैसअप हो रहा है मुझसे। जब ये दो मस्कारा दो वॉन्ड अलग अलग दे रहे हैं, तो आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद द वॉन्ड। मुझे बेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में जैसे वाइट वाइट सा लग रहा था, अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑल्दो मैं आईज थोड़ा पहले कर सकती थी, थोड़ा सा स्पार्कल इधर उधर मुझे दिख रहा है, बट आई एम गोइंग टू अवॉइड दैट अभी, क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहती। कितना भी मस्कारा अच्छा हो, जब हैवी लुक करना हो ना, तो आई लैशेस तो चाहिए। हम मूव ऑन करते हैं लिपस्टिक पे, एंड मेरे पास सिर्फ एक ही लिपस्टिक है, मार्स की रस्टेड ब्राउन। This is a crayon lipstick. ये थोड़ा सा डार्क है, मुझे इतना डार्क शेड चाहिए नहीं है अभी इस लुक के लिए। बहुत ज्यादा ऑरेंज लग रहा है। I'm going to make this work with this compact powder only. Just ऐसे हाथ पे ले रही हूँ। It looks that it's mattifying, but मुझे कलर भी थोड़ा सा लाइट चाहिए। आई थिंक आई शुड यूज द फाउंडेशन, ये शायद दिख भी नहीं रहा होगा, मैंने इतना कम लिया है। आई थिंक इट्स हैज बिकम अ लिटिल पैची, क्योंकि मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया, उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। आई थिंक आई मेस्ड अप, एक्सक्यूज दिस पाउडर अगेन। मैंने पाउडर ये सोच के यूज किया था कि सिर्फ पाउडर से हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि काम करेगा, बट अगर आप मेरी तरह फाउंडेशन या कंसीलर यूज कर रहे हो, तो वो पहले यूज करें उसके बाद पाउडर यूज करें, अदरवाइज आपका लिप्स पे बहुत ही गंदा मिश्रण बन जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। ओके नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस, द कलर इज नाइस, इट्स नॉट लुकिंग पैची नाउ। मैंने उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से और इट्स लुकिंग नाइस आई थिंक। ओके
जैसे मैंने आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं, आईलैशेस से पूरा लुक चेंज हो जाता है. सो बेसिकली दिस इज़ द फुल फेस ऑफ मार्स कॉस्मेटिक्स. बट अभी जो मैं लुक करने वाली हूँ, आई मीन ये लुक हो गया है, ये रोज गोल्ड कलर का है जो मैं ब्लाउज पहनने वाली हूँ, उसके साथ ही लिपस्टिक जा नहीं रही, तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस लिपस्टिक, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज. So that was it for today's video, guys. I really hope कि आपको ये makeup look अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो please hit the like button and subscribe to my channel. और please अगर आप giveaway में participate करना चाहते हो तो please comment करना और मेरे channel को subscribe कर देना. I really really hope कि हम 1000 subscribers जल्दी hit करें. Participate in this giveaway, like this video and subscribe to my channel. Bye bye.